नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार सरकार ने बीते दिन आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद अनलॉक 6 की घोषणा कर दी और आज से अनलॉक 6 राज्य भर में लागू हो गया है। इससे जुड़े गाइडलाइंस को आईपीआरडी बिहार ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। इसके मुताबिक राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते ही ढील देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और इस फेज में कई सारी अन्य छूटें दे दी गई है। इसके तहत आज 26 अगस्त से लेकर अगले महीने 25 सितंबर 2021 तक राज्य भर में अनलॉक 6 लागू रहेगा। छठे चरण के नियम एक महीने तक लागू रहेंगे। इसके तहत इस बार सबसे बड़ी छूट धार्मिक स्थलों को मिली है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अनलॉक 6 के तहत बिहार में अब क्या क्या नियम लागू रहेंगे। अनलॉक 6 में अब सभी तरह की दुकानें और प्रतिष्ठान सामान्य रूप से हर दिन खुल सकेंगे। इसके लिए कोई समय की सीमा या दिन की सीमा को नहीं बांधा गया है। सब कुछ पहले की तरह ही सातों दिन खोले जा सकेंगे। हालांकि दुकान या प्रतिष्ठान के कर्मियों को सुरक्षा के मानकों जैसे कि मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। इस चरण में शिक्षण संस्थानों को लेकर भी राहत दी गई है। अब सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान और पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूलों के साथ साथ कोचिंग संस्थान भी सामान्य रूप से खुलेंगे। साथ ही सभी तरह के सरकारी छात्रावास भी पहले की तरह संचालित किए जाएंगे। साथ ही साथ राज्य सरकार के आयोगों, पर्षद, बोर्डों और दूसरे समतुल्य संस्थानों के साथ ही बिहार के सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों में सभी प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन हो सकेगा। कोचिंग संस्थानों में पहले की तरह ही पढ़ाई शुरू करने की अनुमति दी गई है। बड़ी राहत सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन करवाने को लेकर भी दी गई है। जिला प्रशासन से पहले ही अनुमति लेकर और कोविड सुरक्षा मानकों को अपनाते हुए सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन किए जा सकेंगे। हालांकि शादी विवाह में डीजे और बारात निकालने की इजाजत नहीं दी गई है। शादी समारोह की सूचना स्थानीय थाने को 3 दिन पहले ही देनी होगी। जिला प्रशासन के द्वारा इन समारोहों में आने वाले व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। राजगीर कुंड को भी आम लोगों के लिए आज से खोल दिया जाएगा। हालांकि यहां 72 घंटों का आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट दिखाना जरूरी होगा। सभी पार्क और उद्यानों को भी सामान्य रूप से आज से खोलने का आदेश दे दिया गया है। पार्क प्रबंधन को लोगों द्वारा मास्क और सोशल दूरी को मेंटेन करवाना होगा। इस फेज में सबसे बड़ी राहत धार्मिक स्थानों को दी गई है। करीब 5 महीनों के बाद अब आज से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च समेत अन्य सभी धार्मिक स्थल पहले की तरह ही खुल सकेंगे। लोग पूजा पाठ करने मंदिर को जा सकेंगे। वहीं सभी सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट व खाने पीने की दुकानों को 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा। सभी शॉपिंग मॉल्स पहले की तरह अब हर दिन खुल सकेंगे। क्लब, जिम और स्विमिंग पूल 50% क्षमता के साथ हर रोज खुलेंगे। इसके अलावा संभावित तीसरी लहर और डेल्टा प्लस वेरिएंट आदि के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि देश के जिन भी राज्यों में कोरोना के अधिक केस मिल रहे हैं वहां से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग विशेष तैयारी करेगा। साथ ही ऐसे यात्रियों के राज्य में प्रवेश करने वाले जगहों जैसे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे या फिर राज्य की सीमाओं पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से जांच कराई जाएगी। जिनके पास पहले से 72 घंटों का आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट मौजूद है उनकी जांच नहीं की जाएगी। इसके अलावा बाकी के सभी नियम पहले की तरह ही यथावत लागू रहने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अनलॉक 6 में धार्मिक स्थानों को खोले जाने का फैसला सही है या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।